नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के सांसद, लेकिन उससे बड़ा उनका परिचय ये देश के जाने माने पत्रकार और देश के बेहद प्रबुद्ध पत्रकारों में से एक शामिल कुमार खेतकर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम दरअसल उनसे जानने की कोशिश करेंगे, पिछले दिनों जो देश की राजनीति में बदलाव आया है, उस बदलाव का क्या असर दिखाई पड़ रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का जिस तरीके से चुनाव किया गया, उसमें विपक्ष जिस तरीके से अपनी बहुत सशक्त मौजूदगी दिखाने में असफल रहा है, और क्या कारण है कि विपक्ष लगातार कोशिशों के बावजूद भी एकजुट नहीं हो पा रहा है। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी में झगड़ा हो जाता है तो कभी कुछ और चीजें सामने आ जाती है। इन्हीं तमाम मसलों पर करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे। कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल ये कि आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के 4 सांसदों को सिर्फ इसलिए पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया स्पीकर महोदय ने, क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर तख्तियां दिखाई थी। क्या ये उचित मानते हैं आप कि पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए? मुझे लगता है ये बहुत अन्याय चीज है, क्योंकि इस तरह का प्रोटेस्ट आपको याद होगा, एक पूरा सेशन बीजेपी ने किया था जब वो विरोधी पक्ष थे और जो विरोधी दल थे, और जब उसके बारे में आक्षेप लिया गया तब लेट अरुण जेटली साहब ने कहा था कि ऑब्स्ट्रक्शन इज अ डेमोक्रेटिक राइट, ऑब्स्ट्रक्शन इन पार्लियामेंट इज अ डेमोक्रेटिक राइट, लोकतंत्र में इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन करना यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ऐसा कहा था। उतना तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ प्लैकार्ड दिखाए, और प्लैकार्ड दिखाने से इतना कोई नुकसान होता नहीं है सेशन का, और वो भी क्यों दिखाने पड़े, क्योंकि अंडर रूल 267 हम चर्चा मांग रहे थे महंगाई के ऊपर, वो चर्चा ही नहीं दे रहे थे। 5 दिन ये चर्चा हम मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहे। अभी महंगाई ऐसा इतना महत्वपूर्ण इशू, वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए उनको वेल में जाके प्रोटेस्ट करना पड़ा। जब वेल में जाके प्रोटेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तब उन्होंने प्लेकार्ड लाए और प्लेकार्ड दिखाए स्पीकर को, उसके अलावा कुछ भी हुआ नहीं है, कोई टेबल पे चढ़ा नहीं है, कोई पेपर वेट फेंका नहीं है, कोई भी ऐसी चीज हुई नहीं है कि जिसको आप कह सके कि उसका एक वायलेंट एक्शन है, अनडेमोक्रेटिक एक्शन है। वेल में जाना ये डेमोक्रेटिक एक्शन है, यहाँ ही नहीं इंग्लैंड में भी होता है, पूरी दुनिया में होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अन्याय चीज है, और पूरे विरोधी दल वेल में आए थे सब। ऐसा स्पीकर महोदय ने क्यों किया, आपको क्या लगता है, क्या अचानक किया है या इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि है? मुझे लगता है ये सब होता है, ये नियोजन पूर्व होता है, जो जो कुछ होता है उसका अध्ययन करना नहीं करना, ये सब पूर्व नियोजन होता है, क्योंकि आपके देखो उसमें एक पैटर्न है। राज्यसभा 11 से 12 अध्ययन की जाएगी तो वही 11 से 12 लोकसभा में अध्ययन हो जाएगी, फिर 12 बजे वापस आएंगे तो 12 से 1 बजे तक अध्ययन होगी तो तभी लोकसभा में अध्ययन होगी। तो उसमें एक पैटर्न है, उसमें एक सिस्टम है, और वो सिस्टम कोई एक इंस्ट्रक्शन से चल रहा है, कोई डायरेक्शन से चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका प्लान ये होगा, मुझे मालूम नहीं, प्लान ये होगा कि विरोधी दलों को टायर आउट करने का, उनको एग्जॉस्ट कर देने का, और आप 5 दिन घोषणा दो, 5 दिन वेल में आओ, 5 दिन रस्ते में जाओ, हम जाके गांधी जी के स्टैचू के पास खड़े रहो, कुछ भी करो, हमारा राज जिस तरह यूपी में बुलडोज पॉलिटिक्स चलता है वही बुलडोज पॉलिटिक्स अलग तरीके से हम पार्लियामेंट में चलाएंगे, ऐसा उनका एक योजना है, उसकी उसके बारे में वो योजना की तरह वो चल रहा है। ये सेशन शुरू होने के पहले 2 चीजें हुई थी जिस पर लोगों को थोड़ी सी आपत्ति भी थी और जिस पर स्पीकर महोदय ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। एक तो ये था कि जो असंसदीय शब्दों की जो सूची जारी की गई थी उसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिस पर लोगों को तकलीफ थी, भाई ये असंसदीय शब्द कैसे हो सकते हैं। दूसरा ये था कि अगर आप किसी तरीके का प्लेकार्ड दिखाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। बाद में स्पीकर महोदय ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सदस्य है। तो जो पहले आशंका जताई जा रही थी, क्या आज वो सही साबित हो रही है? मुझे लगता है वही सही हो रही है, सिद्ध हो रही है वो, क्योंकि पहले उन्होंने पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ही कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई, और उसके बाद में उन्होंने कौन से सदस्य किस बारे में इनडिसिप्लिन कहे जाते हैं उसके बारे में एक थोड़ा तर्क लगाया गया। तो मुझे लगता है पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ही उन्होंने ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई डायरेक्शंस, ऐसे कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज लाए लोगों के सामने और सब प्रेस में आ गए, तो उनको
मुझे लगता है उनको ये लगता था कि सदस्य डर जाएंगे या सदस्य कंट्रोल में रहेंगे। मुझे लगता है डरने का तो सवाल ही नहीं है, इस तरह का कंट्रोल भी कोई मान नहीं सकता है, क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में इसके पहले सब पॉलिटिकल पार्टीज ने और मेनली बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने पर्टिकुलरली आफ्टर द बोफोर्स इश्यू वाज डिस्कस्ड इन 1980 आई वाज कवरिंग पार्लियामेंट दैट टाइम द वे दे वेर अपोजिंग गवर्नमेंट एट दैट टाइम राजीव गांधी गवर्नमेंट आई हैव सीन इतना इतना हंगामा मचा रहे थे वो पार्लियामेंट में। कभी कभी तो उन्होंने पूरा सेशन बायकॉट भी किया था एक थोड़ा एक वीक दो वीक इस तरह का। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा हंगामा पार्लियामेंट ने देखा है। और अभी ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वर्ड्स कौन से वर्ड यूज करने चाहिए, कौन से प्लैकार्ड लाने चाहिए नहीं चाहिए, वेल में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब चर्चा जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को पूरे अपने हाथ में लेने के लिए ये सरकार पर्टिकुलरली मोदी और शाह कर रहे थे। वाजपेयी साहब ने ऐसा नहीं किया था, मुझे याद है जब वाजपेयी सरकार के पास प्रस्ताव गया कि लालू जी का गवर्नमेंट बर्खास्त किया जाए और प्रेसिडेंट का ऑर्डर लाना था तो प्रेसिडेंट ने मना किया तो वाजपेयी जी ने इमीडिएटली वो मंजूर कर लिया। तब भी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हुए लेकिन वाजपेयी के जमाने में इस तरह की तानाशाही पार्लियामेंट्री तानाशाही चलती नहीं थी। आप इसको तानाशाही कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री तानाशाही, बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वही तो मैं देख रहा हूं अभी तक। देखो ना पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कितने दफा आए हैं, जब उनको भाषण देना है तभी वो आते हैं। अभी हम कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश तरों पे है, तो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में आता है, उनके तो बैठने की जगह भी कम है, उनको आई थिंक उनके पार्लियामेंट हाउस में 650 MPs है और सीट्स कुछ 450 है, फिर भी वो लोग कुछ दंगा नहीं करते। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर आता है और हर एक सवाल का जवाब देता है, कभी 3 घंटे कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे। लेकिन वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कितने भी हॉस्टाइल क्वेश्चन हो, कितने भी कन्फ्रंटेशन इसका सवाल हो, कोई भी सामने उनको सवाल पूछे तो वो सवाल का जवाब देते हैं। अपने यहाँ प्रधानमंत्री आते ही नहीं है, जब उनको भाषण देना है तभी वो आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। अभी तक मुझे लगता है, मैं अभी 4-4.5 बरस राज्यसभा में हूँ, राज्यसभा में ये 4.5 बरस में मैंने उनको सिर्फ राज्यसभा में आते हुए मैक्सिमम 7 या 8 दफा देखा है इतने दिनों में। ये एक तानाशाही का पुरावा है कि आप सुनना ही नहीं चाहते। दूसरा यह है कि स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी के पास जब रिजोल्यूशन जाते हैं, प्रस्ताव जाते हैं, बिल जाते हैं और जाना चाहिए ऐसी मांग होती है, तब वो सिलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जाने देते। स्पीकर कहता है कि नहीं जाएंगे और खत्म होता है, सवाल खत्म होता है। अभी आप हिसाब भी देखोगे तो जितने बिल्स स्टैंडिंग कमेटी के पास पहले सेशंस में जाते थे उसमें जितना नंबर है उससे 10% भी नहीं है, अभी कोई जाता नहीं है सर। इसके लिए आपने देखा एग्रीकल्चर बिल का क्या हायर हो गया, CAA का क्या हाल हो गया, सब चीजों का जो पिगासस के बारे में जो हाल हो गया, और बाद में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में निकाल नहीं आते। अभी तक पिगासस का इशू पेंडिंग है, अयोध्या के बारे में जो इशू है वो पेंडिंग है। तो मतलब ये है कि जब कहा जाता है कि ये इशू सब ज्यूडिस है तो जवाब नहीं देते। आप पार्लियामेंट के दिन कम कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी सिलेक्ट कमेटी भेज नहीं रहे और फिर ऐसी एक्शन ले जाती है सस्पेंशन की। तो मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट्री तानाशाही का एक अलग फॉर्म है जो मुझे लगता है दुनिया के डेमोक्रेसी को भारत ने दिया है। बट पार्लियामेंट के अंदर तो स्पीकर सॉवरेन है, स्पीकर सॉवरेन है अकॉर्डिंग। आपके कहने का अर्थ यह है कि दरअसल स्पीकर महोदय वो सरकार के कहने पे चल रहे हैं, बट पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर सॉवरेन है, उनकी बात सॉवरेन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्पीकर सरकार के ऑर्डर पे चलता है, ऐसा मैं कहूँ तो वो प्रिविलेज मोशन हो जाएगा। मैंने ऐसा कह रहा हूँ, जिस तरह पार्लियामेंट चलता है वो स्टाइल देख के मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट्री तानाशाही। मैंने ऐसा कभी कहा नहीं कि मोदी और शाह उनको ऑर्डर देते, वो क्यों इस तरह का बिहेवियर है उनका पार्लियामेंट्री बिहेवियर, ये उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने ऐसा कहा नहीं कि सरकार उनको ऑर्डर देती है और ये सॉवरेन पोस्ट का अपमान है, ऐसा मैंने कभी कहा नहीं है। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इशू होगा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, और एक इशू बन जाएगा, वो इशू मैं नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हमको डेमोक्रेसी में चर्चा करने का अधिकार चाहिए और वो चर्चा करने का अधिकार मिल नहीं रहा है। अभी का मेन इशू महंगाई है, अग्निपथ है, इस इशू के बारे में और ईडी के सवाल है, बहुत सारे एजेंसीज के ऊपर जो कंट्रोल रखा गया है, इस इश्यूज पे हम चर्चा करना चाहते हैं। पिगासस पे तो चर्चा होने ही नहीं दी, राफेल पे चर्चा होने नहीं दी,
तो मुझे लगता है इस चर्चा न होने से यह सिद्ध होता है कि इसमें कोई एक डिजाइन है, ये डिजाइन है, प्लान डिजाइन है, नहीं है मालूम नहीं मुझे, लेकिन होता यह है कि पार्लियामेंट और राज्यसभा साइमल्टेनियसली एडजर्नमेंट में जाती है। बट पीयूष गोयल साहब तो कह रहे हैं कि सरकार महंगाई पर चर्चा करना चाहती है और कांग्रेस भाग रही, विपक्ष भाग रहा। अरे हम क्या को भागेंगे, हमने इशू मान उधर रखा है ना, कांग्रेस ने और बाकी विरोधी दलों ने इशू रखा है कि हमको 267 में महंगाई के ऊपर चर्चा करने दो, वो चर्चा नहीं करना देते तो कांग्रेस का क्या सवाल है। और सिंपल आशुतोष जी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप तो इतने बड़े और बोल्ड पत्रकार हैं, करेजियस पत्रकार हैं, आपको ये मालूम होगा कि विरोधी दलों को चर्चा न करने से क्या फायदा है। विरोधी दलों को उनका मुद्दा लोगों में पहुंचाने के लिए एक ही मुद्दा, ये सवाल है कि वो रखना चाहिए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। हमको चर्चा न होने से क्या फायदा है, चर्चा न होने से फायदा उनको है जो कुछ चीजें छिपाना चाहते हैं, हमको कोई फायदा नहीं। तो मुझे लगता है ये एकदम गलत आरोप है, पूरा गलत आरोप है कि हम चर्चा नहीं चाहते। हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं करने देते, इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। बट स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि अगर आपको प्ले कार्ड दिखाना है तो आप हाउस के बाहर दिखाइए, मैं बहस के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी सहृदयता को कमजोरी ना समझें, ये स्पीकर महोदय का कहना है। नहीं नहीं, हम कमजोरी समझते नहीं है, हम इतना ही मांग रहे हैं कि 267 के तहत आप हमको चर्चा करने की परमिशन दे दो। हम प्लेकार्ड नहीं दिखाएंगे, स्लोगन नहीं दिखाएंगे, वेल में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो देते नहीं है वो परमिशन, इसके लिए हमको स्लोगन देना पड़ता है, वेल में जाना पड़ता है, प्लेकार्ड, लेकिन प्लेकार्ड भी अभी 2-3 दिन ही हमने दिखाए हैं, उसके पहले 5 दिन हम सिर्फ स्लोगन दे रहे थे या मांग कर रहे थे, लेकिन एलओपी को भी बोलने को भी नहीं देते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन को खड़े रहने को भी नहीं देते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े रहकर इतना ही कहेंगे कि यह इशू प्राइस राइज का इशू बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्राइस राइज शब्द आएगा तो इमीडिएटली कहते हैं नहीं नहीं ये इशू की चर्चा नहीं होगी, वो इशू के लिए अलग अलग चर्चा रखेंगे। तो मुझे लगता है ये जो है ये सिस्टम बराबर नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक है। आपको लगता है ये सिस्टम अनडेमोक्रेटिक है? बट आज की तारीख में जब हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, उस वक्त देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? बहुत अच्छी अच्छी चीज है ये कि इतने देश में 75th ईयर में, वो भी एक अच्छा एक कोइंसिडेंस है कि 75th ईयर में एक आदिवासी लेडी, वो भी जिसका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। तो मुझे लगता है गांधी जी और पंडित नेहरू ये देख के बहुत खुश होते थे। सवाल ये नहीं कि किसने उनको सपोर्ट किया किसने नहीं किया, लेकिन वो प्रेसिडेंट बन गई, ये गांधी जी का एक सपना पूरा होने का ही मुद्दा है। और पंडित नेहरू भी कहते, आपको मालूम है पंडित नेहरू पूरे ट्राइबल कम्युनिटी में कितने पॉपुलर थे, तो मुझे लगता है कि किसी को उसका दुख नहीं है, उनका सपोर्ट है। कांग्रेस का वो कैंडिडेट नहीं था, लेकिन पूरे विरोधी दलों ने कहा था कि ये कैंडिडेट करेंगे, इसके लिए विरोधी दलों की एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ने सपोर्ट दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस का कैंडिडेट था। आपको लगता है कि यशवंत सिन्हा जी को फिर अपना कैंडिडेचर वापस ले लेना चाहिए था विपक्ष को? यशवंत सिन्हा ने तय किया था, और ओरिजिनली उनका नाम बहुत सारे लोगों ने सीताराम येचुरी से लेकर शरद पवार तक बहुत लोगों ने दिया था, तो अभी कांग्रेस विरोध करेगी तो ऐसा लगता है लोगों को कि कांग्रेस विरोधी दलों की एकजुट यूनिटी नहीं होने दे रही है। इसके लिए कांग्रेस ने कहा कि जब विरोधी दल साथ में है तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे, उसी तरह हमने किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि द्रौपदी मुर्मू को विरोध करना ये हमारा उद्देश्य था, उनका उद्देश्य ये था कि विरोधी दलों की एकजुट करने का सपोर्ट करना था। बट लेकिन मार्गरेट अलवा के नाम पे तो ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन उसका कारण बहुत है, मैं अभी उसके कारण में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत अननेसेसरली पॉलिटिकली अक्यूजिंग होगा। लेकिन उनको लगा कि उनको वाज टेकन फॉर ग्रांटेड कि 10 मिनट में उनको डिसीजन देने को बोला, लेकिन मुझे लगता है उसका एक कारण ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, कि सीताराम येचुरी जो सीपीएम पार्टी उनकी मेन एनिमी है बंगाल में, वो सीताराम येचुरी ने सीपीएम की तरफ नाम सामने लाया, कांग्रेस की थी मार्गरेट अलवा, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। लेकिन आपको यह भी मालूम है मार्गरेट अलवा ने कांग्रेस के ऊपर कड़ी टीका की है, सोनिया गांधी के ऊपर भी टीका की है, तो इसका सवाल यह नहीं था कि कांग्रेस के ऊपर टीका करने का या टीका नहीं करने का मुद्दा है। मुझे लगता है तृणमूल ने उनकी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में मार्गरेट अलवा शायद नहीं बैठती होगी, इसके लिए क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसमें कोई होस्टिलिटी है। बट केतकर साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि विपक्ष
जो है वो आज की तारीख में पूरी तरीके से बटा हुआ दिखाई पड़ता है। जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस वक्त देश के अंदर जो अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, वॉइस ऑफ डिसेंट को क्रस किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य खत्म हो रहे हैं, वैसे में विपक्ष को एकजुट होना चाहिए था। विपक्ष की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, हाल ताजा हाल महाराष्ट्र का है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा, क्या प्रॉब्लम है, कहां पे दिक्कत है? मुझे लगता है विपक्ष की एकजुट नहीं हो रहा है, इसका रेफरेंस सब लोग हमेशा देते हैं 1977 से, जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सब विरोधी दल इकट्ठा आ गए और अथॉरिटेरियन इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, तब विरोधी दल साथ में आए थे, तो सब लोगों का रेफरेंस पॉइंट वो रहता है। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट रहता है वो बोफोर्स के बारे में, जब राजीव गांधी को घेरा गया तब भी बहुत सारे विरोधी दल इकट्ठा आए थे। लेकिन अभी एक बात ध्यान में रखो, जो जो विरोधी दल है सब, डीएम के लो, अन्ना डीएम के लो, टीएमसी लो, अकाली दल लो, तब के जमाने में शिवसेना लो, जब शिवसेना टूटी नहीं थी, हर एक पार्टी ने कभी ना कभी बेसिक एंटी कांग्रेसिज्म पॉलिटिक्स किया है, लोहिया की आइडियोलॉजी से या जेपी की आइडियोलॉजी से, लेकिन ये सब विरोधी दल जो है वो एंटी कांग्रेसिज्म के पॉलिटिक्स के कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस एंटी कांग्रेसिज्म है। अभी वो एंटी कांग्रेसिज्म हर एक पार्टी में, रीजनल पार्टी में बहुत सारा जमा हुआ है, वो एंटी कांग्रेसिज्म ऐसा इजिली जाएगा भी नहीं। और वो एंटी कांग्रेसिज्म 77 में काम में आया, 1985-87 में काम में आया, जब था तब वीपी सिंह के काम में, वीपी सिंह तो बाहर पड़े, उनको ये कहते हैं एंटी कांग्रेसिज्म, लेकिन कांग्रेस के सब लोगों को साथ में लेके एंटी कांग्रेसिज्म चलाते हैं, जैसे कि वीपी सिंह को लिया, चंद्रशेखर को लिया, ये सब एंटी कांग्रेसिज्म विद कांग्रेस में ऐसा चलता आया है। तो मुझे लगता है एंटी कांग्रेसिज्म पॉलिटिक्स जब तक सब विरोधी दल किए चुके हैं और कर चुके हैं और करते रहेंगे, तब तक ये एब्स्ट्रैक्ट तरफ से पूरी विरोधी दल की यूनिटी एक मिराज है, वो हो नहीं सकता है। 100% एब्सोल्यूट यूनिटी ऑफ अपोजिशन पार्टीज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेनी ऑफ द अपोजिशन पार्टीज हैव देयर वन फुट इन द बीजेपी और इन द रूलिंग गवर्नमेंट। देखो ना, अन्ना डीएमके उनके साथ है, बीजेडी उनके साथ है, कभी कभी एनसीपी उनके साथ गई है, पहले शिवसेना भी उनके साथ थी, अकाली दल उनके साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनके साथ थी, मुफ्ती मोहम्मद भी उनके साथ थी। कौन सी पार्टी है कि जो बीजेपी के साथ, ममता भी साथ थी, ममता तो मिनिस्टर भी थी, ऐसी कौन सी पार्टी है कि जो बीजेपी के साथ लास्ट 20 ईयर्स में कभी गई नहीं है? तो कांग्रेस ही अकेली बाहर रहती है, तो कांग्रेस के लोग वहां बीजेपी में जाते हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य गए या और कोई गए। तो मतलब यह है कि जो कांग्रेस से अंदर जाते हैं बीजेपी की तरफ, उनको स्वीकार किया जाता है। मतलब यह एंटी कांग्रेस की मजेदार चीज है कि एंटी कांग्रेसिज्म मतलब फाइनली इट बिकम्स एंटी नेहरूइज्म, एंटी इंदिरा, एंटी सोनिया, एंटी राहुल, एंटी राजीव, ऐसा रहता है। और बाकी कांग्रेस वाले इनको सबको चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरह का पॉलिटिक्स जो है बाकी विरोधी दलों का, उन्होंने सोचना चाहिए कि उनका मेन अभी ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी तो ये तो मानते हैं प्राइवेटली, हमारे साथ बहुत दफा आते हैं, बहुत सारे इश्यूज पे विरोधी दल इकट्ठा है, लाइक प्राइस राइज के ऊपर इकट्ठा है, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू पे इकट्ठा है, अग्निवीर के बारे में इकट्ठे हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स का सवाल आता है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का सवाल आता है, तब ये सब पक्ष कांग्रेस के खिलाफ जो बड़े हैं वो उस तरह की यूनिटी में आते नहीं है। जैसा कि हमने देखा बंगाल के इलेक्शन में ममता विरोध गई और सीपीएम और कांग्रेस की यूनिटी हुई और पूरे हार गए, कांग्रेस और सीपीएम के सब लोग हार गए। तो मतलब यह है सीपीएम भी एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स की विक्टिम है। तो मुझे लगता है कि 100% यूनिटी ऑफ अपोजिशन पार्टीज इज अ मिराज, इज अ ड्रीम, दैट विल नेवर हैपन। बट आज की तारीख में जो अपोजिशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि तमाम सरकारी एजेंसीज अपोजिशन की पार्टीज को, उनके गवर्नमेंट को डिस्टर्बलाइज कर रहे। ममता बनर्जी की जो भतीजे हैं वो ईडी के चंगुल में है, उनके मंत्री को गिरफ्तार किया जा चुका है, लगातार छापे पड़ रहे हैं, और ये चीज सिर्फ ममता तक नहीं है, अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की तलवार लटक रही है, उनके मंत्री प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ है, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के परिवार वालों के ऊपर भी खतरा है, एनसीपी के दो मिनिस्टर जेल के अंदर है। तो क्या विपक्ष को ये समझ में नहीं आता कि आज की तारीख में एंटी कांग्रेसिज्म से ज्यादा एंटी बीजेपीज्म जिम्मेदार है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी खतरनाक के लिए? ये तो कांग्रेस कहती आई है, लेकिन वो मानते नहीं है। उनको लगता है कि एडजस्टमेंट से कुछ हो जाएगा, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कांग्रेस ने ये आइडिया सबके सामने रखी है कि आज हमारे खिलाफ टीडी है,
इनके खिलाफ ईडी है, कल आपके खिलाफ ईडी आएगा, सीबीआई आएगा, आईटी इंक्वायरी आएगी, एनआईए आएगा, ये सबके खिलाफ जाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का एक प्लान इस तरह का है कि अपोजिशन, जैसा ममता ने कहा कि नरेंद्र मोदी को क्या चाहिए, अपोजिशन मुक्त पॉलिटिक्स चाहिए, तो ये उन्होंने कहा है, तो उनको ही सोचना चाहिए कि हम अपोजिशन में साथ में क्यों नहीं आते। अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ममता ने अलग पोजिशन ली, अभी दोनों इलेक्शन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों कैंडिडेट उस तरह कांग्रेस के नहीं है। मार्गरेट आलो का नाम सीताराम येचुरी दिया, शरद पवार ने सपोर्ट किया और बाद में खरगे जी ने सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स करता है उनको मालूम है कि ये सब ईडी एनआईए सब उनके खिलाफ आने वाले हैं, फिर भी वो आते नहीं है साथ में, तो उनको ही सोचना होगा कि फाइनली ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हल्ला है, ये विरोधी पक्ष का हल्ला है, उनका अस्तित्व ही खत्म करने के लिए बीजेपी ट्राई कर रही है, और उनको समझना चाहिए कि हम साथ में लड़ेंगे तो ही जा सकते हैं। 2004 में वाजपेयी के खिलाफ सोनिया गांधी ने जो यूनिटी दिखाई, उस तरह की यूनिटी अभी आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रही है, इसका कारण मुझे मालूम नहीं, उनको सोचना होगा। बट क्या इसका कारण यह है कि कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं है? ममता बनर्जी बार बार कहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये मोदी को नहीं हरा सकते, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस लड़ती है वहां बीजेपी जीतती है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेली बीजेपी को हार नहीं सकती है, तमिलनाडु में नहीं हार सकती है, केरला में हार नहीं सकती है, आंध्र प्रदेश में हार नहीं सकती है, कश्मीर में नहीं हार सकती है, पंजाब में भी, अकेली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये सवाल सिर्फ कोई चुने हुए राज्यों में है, सब जगह नहीं है। कांग्रेस को भी सब पार्टियों के साथ ही जाना पड़ेगा, ये कांग्रेस भी जानती है। सोनिया गांधी ने कितने दफा अपील किया है, राहुल गांधी ने भी अपील किया है, एग्रीकल्चर आंदोलन के लिए पेजेंट के आंदोलन के टाइम में सब साथ में आए थे विरोधी दल, जैसे कि सीए के बारे में भी आए थे, लेकिन वो सब नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सब आते हैं, जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आता है तब ये पीछे हट जाते हैं। ये कांग्रेस का ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि हम अकेले बीजेपी को हरा सकते हैं, कभी भी कांग्रेस से माना नहीं, नहीं तो 2004 में सोनिया गांधी ने सब सीताराम येचुरी हरकिशन सुरजीत सबको मिलकर वो 2004 की इलेक्शन लड़ाई थी, तो मुझे लगता है कि ये गलत है कि कांग्रेस सोचती है कि वो खुद ही लड़ेंगे, और उनका एरोगेंस है, कांग्रेस के ऊपर एरोगेंस का आरोप है, कभी कभी पहले के जमाने में वो सच भी था, बनिया ने कहा कि सच नहीं था, लेकिन कांग्रेस के बारे में जो इनका डर है या डिस्टेस्ट है या नफरत है, वो नफरत उनके एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स का रूट है, जिसका कोई प्रमाण राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वीपी सिंह इन्होंने, और आडवाणी, और फाइनली नरेंद्र मोदी, एक्चुअली नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एंटी कांग्रेसिज्म पॉलिटिक्स। जैसे 2004 का आपने जिक्र किया, उस तरीके की कोशिश सोनिया गांधी क्यों नहीं करती? सोनिया गांधी अगर चाहे तो ममता बनर्जी के घर जाके उनको समझाने की कोशिश करें, शरद पवार को समझाने की कोशिश करें, जगनमोहन रेड्डी को समझाने की कोशिश करें, उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश करें, तो ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से नहीं होती है। सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं करती, नहीं ये सब हो गया है सोनिया गांधी की तरफ से। सोनिया गांधी ने ममता को कांटेक्ट किया था, शरद पवार तो साथ में है, शरद पवार को कांटेक्ट किया था, सीपीएम को कांटेक्ट किया था, येचुरी भी साथ में है, इन सब लोगों, और शिवसेना में भी बाद में उद्धव ठाकरे को सपोर्ट दिया, कांग्रेस ने सपोर्ट दिया, कांग्रेस के साथ बहुत कम लोग है, 44 सीट्स ओनली, फिर भी कांग्रेस ने उद्धव को सपोर्ट दिया था, तो इसका सवाल ये नहीं कि कांग्रेस ट्राई नहीं कर रही है, कांग्रेस ट्राई कर रही है, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की ताकत इतनी कम है कि कांग्रेस के साथ जाने से अपना क्या फायदा है, नहीं तो आरजेडी भी नहीं आती पूरी तरह कांग्रेस के साथ, आधी आधी आती है, आधी आधी नहीं आती है। अखिलेश ने तो, अखिलेश और मायावती ने आपको याद होगा, डिक्लेयर किया यूनिलैटरली कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तब कांग्रेस मनवा रही थी उनको कि आप आ जाइए हमारे साथ, मायावती और अखिलेश दोनों को, एक दफा आए भी 2017 में वो साथ में आए, लेकिन बाद में मायावती और अखिलेश ने यूनिलैटरली डिसाइड कर दिया कि कांग्रेस के साथ हम नहीं जाएंगे, तो क्या कर सकते हैं सोनिया गांधी, क्या कर सकते हैं राहुल गांधी, क्या कर सकता है कांग्रेस, क्या कर सकते हैं भगवान, क्या कर सकता है? ये नो कॉन्फिडेंस ज्यादा है राहुल गांधी की लीडरशिप में? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर नहीं है ये, राहुल गांधी के ऊपर जिस कांग्रेस वालों ने नो कॉन्फिडेंस दिखाया है उसका शायद प्रतिबिंब कहते हैं, रिफ्लेक्शन बाकी पार्टियों में आया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जितना राहुल गांधी अनपॉपुलर है या पप्पू है या इनइफेक्टिव है या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितना मीडिया में कहा जाता है उतनी तो कंडीशन नहीं है, उतनी अंदर कंडीशन नहीं है, लेकिन वो प्रचार इतना प्रभावी हो गया है मीडिया के कंट्रोल के वजह
कि वो लोगों के दिल में बैठा है और पार्टियों के दिल में बैठा है, लेकिन आप एक्चुअली लोगों के तरफ जाओगे, आदिवासी लोगों के पास भी या गांव गांव में, तो राहुल गांधी के लिए ऐसी नफरत नहीं है जैसे विरोधी दलों में है या जैसे कोई विरोधी नेताओं में है या जैसे मीडिया में है। मीडिया की नफरत जो है राहुल की तरफ, उस तरह की नफरत लोगों में नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स में नहीं है। रघुराम राजन, अभिषेक बैनर्जी, ये सब जैसे नोबेल लॉरियट राहुल के सपोर्ट में, आशुतोष वार्ष्णेय जैसे इंटेलेक्चुअल्स, ये सब राहुल के साथ आते हैं, मतलब ये राहुल के सपोर्ट करते हैं ऐसे नहीं, वो राहुल के साथ आते हैं। और जिस तरह वो राहुल को इंटरव्यू देते हैं, जिस तरह राहुल के साथ चर्चा करते हैं, इंटरव्यू भी नहीं, राहुल के साथ चर्चा करते हैं, उसका मतलब ये है कि राहुल को समर्थन भी है। सिर्फ रामचंद्र गुहा नहीं है इंटेलेक्चुअल खिलाफ, और भी 2-3 खिलाफ है, लेकिन ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स ने प्रताप भानु मेहता से लेकर सब, ज्यादातर इंटेलेक्चुअल ने राहुल को सिंपथेटिकली लिया है। लेकिन इंप्रेशन ऐसा है, प्रभाव ऐसा हो गया है कि राहुल इज इनइफेक्टिव एंड यूजलेस। कांग्रेस जब अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, इतने दिनों से, करीब राहुल गांधी को इस्तीफा दिए हुए तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो ये परसेप्शन तो बनेगा ना, और ये भी परसेप्शन बनेगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवार के इर्द-गिर्द है, वहां कोई इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं है। नहीं, ऐसा हो सकता था जब कांग्रेस पार्टी उस तरह बिहेव करती थी। राहुल ने जब रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया, तभी कहा था कि हमारे फैमिली का कोई नहीं होगा, प्लीज आप चुनो, और वो उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर चुनो, 2 महीने के अंदर चुनो, उन्होंने 3 महीने राह देखा, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने कोई ऑल्टरनेटिव नाम दिया नहीं। अभी ये फॉल्ट किसका हो सकता है, जब राहुल गांधी कह रहा है कि आप यहाँ बैठो, आप कोई भी एक नाम चुनो और कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाओ उसको, ऐसा राहुल गांधी अपील कर रहा था, लिखी रिटर्न अपील है वो, फिर भी कोई CWC में कहा नहीं कि होना चाहिए X आदमी होना चाहिए, Y आदमी होना चाहिए। वो क्यों नहीं कह रहे थे, उनको डिफिडेंस है, उनको ऐसा लगता है कि गांधी फैमिली का कोई ना हो तो उनको नेशनल अपील नहीं रहेगा, वो उनका डिफिडेंस है। जब राहुल गांधी कह रहे करो तो करते नहीं है। सोनिया गांधी ने भी एक दफा कहा, जब बाद में वो इंटरिम प्रेसिडेंट का कहा कि आप चुनो और कोई लाओ दूसरा, अभी सितंबर में देखेंगे क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ही प्रेशर नीचे से लगाएंगे। यही लोग जो ग्रुप 23 खुद को कहते हैं, वो भी कहते हैं क्या लास्ट लाइन में हमेशा कि हम राहुल के खिलाफ नहीं है, हम सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी में इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, उस तरह का ऐसे बात करते, लेकिन वो कभी भी चैलेंज गांधी फैमिली को डायरेक्टली करते नहीं, कोई भी, कपिल सिब्बल भी नहीं, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद गांधी फैमिली नहीं करते। जिस तरह का कन्फ्रंटेशन निलिंगप्पा ने और एस के पाटिल ने, अतुल्य घोष ने, सीबी गुप्ता ने, सखा पाटिल ने 1969 में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया, या 1987 में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन राजीव के खिलाफ किया, और जिस तरह का कन्फ्रंटेशन वीपी सिंह ने किया, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, उस तरह का कन्फ्रंटेशन कोई नहीं कर रहा है। वीपी सिंह भी कांग्रेस के थे, उसके पहले 67 में चरण सिंह भी कांग्रेस के थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया कांग्रेस में होते हुए भी, उस तरह का कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है उनको डिफिडेंस है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि राहुल और सोनिया वो कांग्रेस के अंतर्गत जो विरोधक है, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनमें से एक दफा तो एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया था न्यूज़पेपर्स में जब ग्रुप 23 बना तब, कि ग्रुप 23 है ना, समझो कि वही एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो आप ये एग्जीक्यूटिव कमेटी से एक आदमी को प्रेसिडेंट बना दो, वो पैरेलल प्रेसिडेंट होगा, उसका फॉर्मलाइज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज नहीं होगा, लेकिन ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना चाहिए, ऐसा हम ग्रुप 23 जो डिमांड कर रहे हैं वो मांग रहे हैं कि इसको प्रेसिडेंट बनाओ और शुरू करो, शैडो सिस्टम शुरू करो, वो भी उन्होंने नहीं किया कभी। तो उनको लगता है कि शायद गांधी फैमिली का कोई न हो तो हमको क्या वैल्यू रहेगी। अभी ये देखो सिंपल चीज कि ये कह रहे इलेक्शन करो, अभी आशुतोष एक सिंपल सवाल ये है जी, कि 2014 में इलेक्शन हार गए, 44 सीट्स आ गए, लेकिन 5 बरस पहले 2009 में कांग्रेस को 206 सीट्स मिली थी, तो 206 टू 44 हो गई 5 बरस के अंदर। जब 206 थी तब भी मेजोरिटी नहीं थी, तब कोई भी केसन ऐसे क्यों नहीं कहा किसे कि कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आ सकती, लीडरशिप बदलो। 2009 में जब 206 सीट्स थी तब किसी ने नहीं कहा कि लीडरशिप बदलो, जब हार गए तब उन्होंने शुरू किया कि लीडरशिप बदलो। मतलब ये सवाल ये है कि आपको जितना है तो आपको गांधी फैमिली चाहिए, हार गए तो अभी गांधी फैमिली नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये प्योर एंड सिंपल अपॉर्चुनिज्म है, उन्होंने उनके प्रिंसिपल्स का ऊपर सवाल था, डेमोक्रेटिक व्यवहार होना चाहिए पार्टी के अंदर,
लोकतंत्र व्यवहार पार्टी के अंदर होना चाहिए, ये आपकी मांग थी। तो ये मांग 2009 में भी हो सकती थी, 2009 में नहीं की उन्होंने, 2014 में भी नहीं की, 2014 के इलेक्शन के बाद, और तब भी पूरी तरह नहीं आई। 2019 हारने के बाद वो आवाज ज्यादा हुई, तो बिटवीन 2014 एंड 2019 भी नहीं हुई ये आवाज, ज्यादा हुई लेकिन उतनी नहीं। लेकिन 2009 और 2014 के दरमियान किसी ने यह ऐसा आवाज क्यों नहीं किया कि लीडरशिप बदलो, ये फैमिली को हटाओ, ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा था, मीडिया ने भी नहीं। मीडिया भी मान रही थी कि गांधी फैमिली है। क्या आपको लगता है कि बिना गांधी फैमिली के कांग्रेस सर्वाइव कर जाएगी? बिना गांधी फैमिली कांग्रेस किया है ना बहुत दफा, 1991 आफ्टर राजीव गांधी असैसिनेशन टिल 1998-99 देयर वाज नो गांधी फैमिली इन द पार्टी, नोबडी, नो मिनिस्टर, नो फैमिली। देयर वर थ्री गवर्नमेंट्स, देवेगौड़ा गवर्नमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट, बट देयर वाज नो गांधी मेंबर इन द कैबिनेट एनीवेयर। There was nobody in the party also between 91 and 98-99 till Sonia Gandhi came. For 8 years, there was no Gandhi family. After 1999, or actually from 1989 onwards, to be honest, 1989 onwards to 2022, Gandhi family ka koi bhi member, koi bhi cabinet mein, state cabinet mein, central cabinet mein, union territory cabinet mein nahi hai. There is nobody. So Gandhi family is outside every single government, state, central or union territory. और पार्टी में भी 91 टू 98 नहीं थे, तो मुझे लगता है, और उसके पहले भी जब नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रेसिडेंट है तब भी कौन था गांधी फैमिली का, कोई नहीं था, पार्टी में भी नहीं था। तो मुझे लगता है गांधी फैमिली के सिवा पार्टी चल सकती है। उनको लगता है कि गांधी फैमिली नहीं होगी तो अपना नेशनल अपील कैसे रहेगा, तो मुझे लगता है ये उनका डिफिडेंस है, ये डिफिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मुझे नहीं लगता कि गांधी फैमिली खुद कहती है कि हमारे सिवा पार्टी चलाओ, हम प्रचार करेंगे। राहुल गांधी ने तो कहा था मैं स्वयंसेवक बन के काम करूंगा, तो क्यों नहीं वो मान रहे हैं, वो मानना चाहिए ना, वो नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है वो एटीट्यूड का, उनके एटीट्यूड का सवाल है, गांधी फैमिली के एटीट्यूड का नहीं। अरे एक तरफ अपोजिशन लीडर्स हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते, उनके अंदर प्रॉब्लम है, कांग्रेस के अपने नेताओं के अंदर डिफिडेंस है, तो ऐसे में 2024 तो बीजेपी के लिए केक वॉक दिखाई पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं लगता केक वॉक है, क्योंकि आप देखोगे तो कितने राज्यों में बीजेपी है नहीं, बीजेपी का बेस ही नहीं, तमिलनाडु में नहीं है, केरला में नहीं है, आंध्र में नहीं, तेलंगाना नहीं, पंजाब नहीं, बंगाल नहीं, राजस्थान में है लेकिन कश्मीर में नहीं। तो ऐसे इतने स्टेट्स है कि जिसमें बीजेपी का बेस ही नहीं है, और ये सब स्टेट्स की आप टोटल करोगे तो कम से कम 250 सीट्स है, तो आउट ऑफ 543 सीट्स 250 सीट्स आर नॉट विद बीजेपी एट ऑल। उसके अलावा बाकी जो स्टेट्स है उधर भी बीजेपी 100% नहीं है। सिंपल सवाल यह है, 2014 में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 31% वोट मिले, मतलब तब आपने देखा होगा सब न्यूज़पेपर के सर्वे कहते थे कि हम बीजेपी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जवाब आते थे। तो मतलब 31% लोगों ने मोदी लेट बीजेपी को सपोर्ट दिया है, इसका मतलब यह है 69% लोगों ने दिया नहीं है। 2019 आफ्टर पुलवामा एवरीथिंग चेंज, आप पुलवामा के पहले मतलब 14 फरवरी 2019, इसके पहले के कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन पढ़ो, उसमें तो तब तो राम माधव ने कहा था हमको ब्रॉडर कोएलिशन का विचार करना पड़ेगा, मेजोरिटी का उनको डर था मेजोरिटी नहीं आएगी वापस, सब पेपर्स ने सब सर्वे में बीजेपी को फुल मेजोरिटी अब आएगी ने ऐसा निर्णय दिया था, सब कंक्लूजन उनका ये था। और बाद में पुलवामा के बाद सिचुएशन बदल गई और उनको मेजोरिटी मिलने का चांस हो गया, लेकिन तब तक मोदी जी को मेजोरिटी मिलेगी ऐसा कोई भी मानता नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब स्टेट पार्टीज में है और छोटे पार्टीज में भी है, और छोटे पार्टीज और स्टेट पार्टीज वो राज्यों में बीजेपी को हराएगी तो कोएलिशन बाद में भी बन सकता है, जैसा कोएलिशन बाद में दो दफा बना, देवेगौड़ा के टाइम में बना जहां पहला रेफरेंस दिया था, पहला इन्विटेशन दिया था ज्योति बसु को क्या प्राइम मिनिस्टर बनो, वो बने नहीं, उन्होंने बाद में कहा वो हिमालयन ब्लंडर था, लेकिन बाद में सब ढूंढते ढूंढते देवेगौड़ा पे नाम पे आ गए, देवेगौड़ा का सरकार भी नहीं चला तो गुजरात गया है। ऐसा हो सकता है हर एक स्टेट में जो खिलाफ जाएंगे बीजेपी के वो हर एक स्टेट में खिलाफ जाके बाद में फेडरल कोएलिशन हो सकता है। तो आपको ये भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है या यूनाइटेड फ्रंट जैसा कोएलिशन हो सकता है? कांग्रेस पार्टी मैंने कहूंगा, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट डेफिनेटली बन सकता है 2024 में, डेफिनेटली बन सकता है। उसके लिए कांग्रेस के अंदर जो डिफिडेंस है, कांग्रेस के अंदर जो इनर्शिया है, वो कांग्रेस को निकालना पड़ेगा।
और बाकी विरोधी पक्षों को जो एंटी कांग्रेसिज्म का एक विशेष पॉलिटिक्स है वो उनको छोड़ना पड़ेगा और वो सब आएंगे साथ में तो जरूर 2024 में बीजेपी हार सकती है। बट अभी 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 जो चार राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने खुद को रिपीट किया, उत्तराखंड में अपने आप को रिपीट किया, गोवा में अपने आप को रिपीट किया है। आप सिर्फ इलेक्ट्रल रिजल्ट को देख रहे हैं जी, आप सिर्फ इलेक्ट्रल रिजल्ट को देख रहे हैं लेकिन बीजेपी के 50 सीट्स कम हो गए यूपी में, ये भी आप देखना चाहिए। और इतनी बीजेपी जब पॉपुलर थी, मोदी जी का नाम पूरे दुनिया में डंका चल रहा था, तब आप पार्टी ने 2015 में एक वर्ष के अंदर उनको 70 सीट से 67 सीट आपको मिली थी, तो ये तो मोदी वाज टॉप ऑफ द पॉपुलैरिटी वेव, तब भी उनको 2015 में हराया था बीजेपी को। तो मतलब बीजेपी को हरा सकता है, ऐसा नहीं कि तो हरा ही सकता नहीं, बीजेपी को हरा सकते हैं। उनके लिए उसके लिए यूनिटी ही चाहिए, ऐसा नहीं है, यूनिटी हो तो अच्छा रहेगा, यूनिटी नहीं हो फिर भी लोकल पार्टी का जो प्रभाव है वो लोकल पार्टी में लोकल इलेक्शन में हराएंगे बीजेपी को, वो हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार केतकर साहब हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच सर।